नमस्कार दोस्तों, हिम टुडे में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एचआरटीसी में ड्राइवर के 400 पदों पर भर्ती निकल चुकी है, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, अगर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बात करते हैं हिमाचल में सरकारी नौकरियों की, यानी कि एचआरटीसी में। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम लिमिटेड, शिमला भी बोला जाता है, और इसमें अनुबंध आधार पर चालक के लिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ की है। तो दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट इन्होंने हिंदी में रिलीज़ की है। सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये हिमाचल प्रदेश के हिमाचली बोनोफाइड निवासियों के लिए है, यानी कि जो हिमाचल में रहते हैं, जिनके पास हिमाचली बोनोफाइड सर्टिफिकेट है, उन्हीं के लिए है, और बाहरी राज्यों का कोई भी इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। तो बात करते हैं पदों की संख्या की। सबसे पहले तो कुल मिला के इसमें 400 वैकेंसीज हैं ड्राइवर की, जो एचआरटीसी में रखे जाने हैं, और इसमें ये जो रिक्तियां हैं ये 30/9/2020 तक इन्होंने विवरण दिया है, और जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी होगी उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बता दें, ये जो वैकेंसीज निकली हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और ये इन्होंने बताया है चालक स्थायी नियुक्ति है इसमें, और इसके लिए आपके पास हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश में अव्यवस्थित किसी भी स्कूल संस्थान से 10वीं की पास होना चाहिए, यानी कि आपको 10वीं पास होना चाहिए। उसके साथ ही आपका हैवी जो लाइसेंस होता है उसको, भारी परिवहन वाहन यानी कि एसटीवी भी बोलते हैं, हैवी लाइसेंस बोलते हैं उसको, ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपके पास होना चाहिए। उसके साथ 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए गाड़ी चलाने का, हैवी गाड़ी का, तभी आप इसके लिए योग्य हो। और इसमें जो मासिक वेतन मिलेगा वो मिलेगा 5910 प्लस 2400 का ग्रेड पे, और 8310 रुपये इसमें मासिक वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग में। जो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है वो 27 जनवरी 2020 रखी है, जो कि जनजातीय क्षेत्र नहीं है, और जो ट्राइबल एरियाज हैं जैसे कि चंबा है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर के डिस्ट्रिक्ट हैं, और उसमें वो लोग 3 फरवरी 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं 400 वैकेंसीज के लिए ड्राइवर की। इसके बाद बात करेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की। सबसे पहले जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 160 वैकेंसीज हैं, और एससी के लिए 74, एसटी के लिए 16, और ओबीसी के लिए 58 वैकेंसीज हैं। और जो सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के रूप में आते हैं, इसमें आर्थिक रूप इकोनॉमिकली बिकर सेक्शन भी बोला जाता है, इन्होंने हिंदी में लिखा है तो बहुत लोगों को दिक्कत होगी समझने में, ईडब्ल्यूएस है ये, 51 वैकेंसीज हैं, और एससी बीपीएल की 15 हैं, और एसटी बीपीएल की 5 है, ओबीसी बीपीएल की 13 वैकेंसीज हैं। और उसमें जनरल में आया गया आपका जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, उनके लिए 5 है, और जो एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 है, और जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए कोई वैकेंसी इन्होंने यहाँ पे नहीं दी है, और ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 वैकेंसीज हैं। तो कुल मिला के ये 400 पदों पर भर्ती होने वाली है एचआरटीसी ड्राइवर के लिए। इसके बाद दोस्तों, जो आयु की सीमा है और क्या क्या क्राइटेरिया है उसकी भी जानकारी आपको दे दें। जो आवेदक की आयु है 1 जनवरी 2020 को देखी जाएगी, यानी कि 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और ये 18 से 45 जो वर्ष की आयु है वो 1 जनवरी 2020 को कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये जो पीडीएफ है आपको कमेंट में मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों, जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट है, यानी कि 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, और इसमें आवेदक की जो लंबाई है वो 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, और जो आवेदक के पास हैवी का लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस जो हमने पहले बताया वो भी होना चाहिए। इसके साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा फिटनेस का भी इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप फिजिकली फिट है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और जो स्वतंत्रता सेनानी है के जो हमने बताया कि वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की जो वैकेंसीज हैं उनका चयन हिमाचल प्रदेश सरकार की संबंधित अधिसूचना के अनुसार ही की जाएगी, यानी कि आप कहीं से भी अगर सर्टिफिकेट बनवा के लाते हो तो वो वैलिड नहीं होगा, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार की संबंधित अधिसूचना के अनुसार ही आपको घोषित किया जाएगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की वैकेंसीज के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, इसमें आवेदन पत्र जो वेबसाइट है HRTCHP.com से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है, इसकी एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ कॉपी, और ये जो है 3 जनवरी 2020 से उपलब्ध होंगे यहाँ पे, जो इसमें
आप एप्लीकेशन फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके लिए कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, आपको यहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, जो कि इन्होंने बताया है 3 जनवरी 2020 से शुरू हो जाएंगे, और उसके साथ आपको 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट या IPO भेजना है। ऑफलाइन है ये दोस्तों, मैं अब आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ऑनलाइन कैसे भरना है, तो ये ऑफलाइन है, और आपको कल हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रोवाइड कर देंगे जैसे ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ पे इन्होंने उपमंडल के नाम भी दिए हैं, थोड़ी सी और जानकारी है इस वीडियो में। यहाँ पे प्रार्थना पत्र केवल मंडलीय कार्यालय शिमला, मंडी, हमीरपुर, धर्मशाला या क्षेत्रीय कार्यालयों में ही जमा कराए जाएंगे। यानी कि जो ऑफलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे दोस्तों, तो शिमला, मंडी, हमीरपुर, धर्मशाला में इसको आपको पोस्ट करना है, या तो बाई जैसे आप बाय पोस्ट कर सकते हो, या आप बाई हैंड भी वहाँ पे जाके दे सकते हो। अगर इन्होंने ये भी लिखा है, अगर आप इसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं दोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये जो एडवर्टाइजमेंट है 2 जनवरी 2020 को ही रिलीज़ की है, यानी आज के दिन आप सबसे पहले देख रहे हैं हिम टुडे पे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसका PDF आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, hymtoday.in.net पे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।